राष्ट्रपति जी इन हरकतों को बालक बुद्धि कहकर के, बालक बुद्धि मान करके हम नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, कतई नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके पीछे इरादे नेक नहीं है, इरादे गंभीर खतरे के हैं। और मैं देशवासियों को भी जगाना चाहता हूं, आदरणीय सभापति जी, इन लोगों का झूठ हमारे देश के नागरिकों की विवेक बुद्धि पर आशंका व्यक्त करता है। उनका झूठ देश के सामान्य विवेक बुद्धि पर एक तमाचा मारने की निर्लज्ज हरकत है। आदरणीय सभापति जी, ये हरकतें देश की महान परंपराओं पर तमाचा है। आदरणीय सभापति जी, इस सदन की गरिमा बचाने का बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर है। सदन में शुरू हुई झूठ की परंपरा पर कठोर कार्रवाई करेंगे, ये देशवासियों की भी और इस सदन की भी अपेक्षा है। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस ने संविधान और आरक्षण पर भी हमेशा झूठ बोला। आज मैं 140 करोड़ देशवासियों के सामने सच्चाई रखना चाहता हूं, बड़ी नम्रता पूर्वक रखना चाहता हूं। देशवासियों ने भी इस सत्य को जानना बहुत जरूरी है। आदरणीय सभापति जी, आपातकाल इमरजेंसी का 50वां वर्ष है। इमरजेंसी सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लोभ के खातिर, तानाशाही मानसिकता के कारण देश पर थोपा गया तानाशाही शासन था। और कांग्रेस क्रूरता की सभी हदें पार कर चुकी है। इतने अपने ही देशवासियों पर क्रूरता का पंजा फैलाया था और देश के ताने बाने को छिन्न विच्छिन्न करने का पाप किया। आदरणीय सभापति जी, सरकारों को गिराना, मीडिया को दबाना, हर कार्य में संविधान की भावना के खिलाफ, संविधान की धाराओं के खिलाफ, संविधान के एक एक शब्द के खिलाफ